राखी सावंत की माँ जया का हुआ निधन, राखी पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। राखी की दोस्त राश्री ने बयां किया राखी का दर्द। मम्मी को देखते थे, मम्मी के साथ हम अच्छा टाइम गुजारते थे। आज भी हमने यही सोचा कि हम मम्मी से मिलेंगे। राखी तो मम्मी को दिखाने के लिए आए थे कि देखो मम्मी मैं आज कैसी लग रही हूँ, बट खैर ऐसा हुआ नहीं। राखी की दोस्त राश्री ने बताया वेंटिलेटर पर थी राखी की माँ। 2 दिन पहले वेंटिलेटर पे रखा गया, कल वेंटिलेटर हटा दिया था, आज आफ्टरनून फिर से वेंटिलेटर पे रखा गया था। वो कहते थे मम्मी मेरी तरफ देखो, तो उनकी मम्मी जब राखी की तरफ देखते थे राखी इतना खुश हो जाती थी। आदिल अभी बस पहुंचने ही वाले हैं। क्या कुछ कहा राश्री ने, आप खुद सुनिए। काफ़ी दिनों से हम लोग साथ में हैं, हम लोग रोज़ आते थे, मम्मी को देखते थे, मम्मी के साथ हम अच्छा टाइम गुजारते थे, हम आधा एक घंटा यहाँ बैठते थे, राखी को बहुत तसल्ली मिलती थी, काफ़ी अच्छा लगता था। आज भी हमने यही सोचा कि हम मम्मी से मिलेंगे। राखी तो मम्मी को दिखाने के लिए आए थे कि देखो मम्मी मैं आज कैसी लग रही हूँ, बट खैर ऐसा हुआ नहीं। जिस तरीके की आपने बात की थोड़ी देर पहले, या तो जब भी आ रहे थे कभी बॉडी में सुधार आ रहा था, कभी चीज़ें वापस से बिगड़ रही थी जी। मम्मी की कंडीशन तो क्रिटिकल ही थी, पहले जिस दिन लाया था यहाँ पे उस दिन भी क्रिटिकल थे, एंड उसके बाद दो तीन दिन के लिए थोड़ी सी राहत हो गई थी। आफ्टर दैट वापस उनको ICU में रखा गया, फिर 2 दिन पहले वेंटिलेटर पे रखा गया, कल वेंटिलेटर हटा दिया था, आज आफ्टरनून फिर से वेंटिलेटर पे रखा गया था। डॉक्टर की तरफ से यही था कि कंडीशन क्रिटिकल है और क्रिटिकल और होती जाएगी। आप काफी समय से साथ में हो, हर एक उनके साथ में एक परिवार का हिस्सा होंगे, तो आप भी साथ में, तो क्या कुछ राखी जिससे आपके अपनी बातें शेयर होंगी, क्या कुछ तबीयत को लेकर मम्मी की सुधार है, मम्मी ठीक हो जाएगी, क्या कुछ? जैसे राखी आते थे, राखी और मैं हम यहाँ आते थे, जब राखी मम्मा को उनके माँ को माँ 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 कहते थे, वो कहते थे मम्मी मेरी तरफ देखो, तो उनकी मम्मी जब राखी की तरफ देखते थे राखी इतना खुश हो जाती थी। वो इतना खुश, एक तरफ से उनके आँखों से आंसू आते थे और एक स्माइल भी रहती थी कि मेरी मम्मी देखो मुझे देख रही है, मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी। उम्मीद तो थी कि नहीं मम्मी को हम घर लेके ही जाएंगे, डॉक्टर ने उन्हें बोला था कि क्रिटिकल कंडीशन है, बट उम्मीद होती है, ऊपर वाला मैजिक कर देता है और सब कुछ ठीक हो जाता है, इसी उम्मीद में हम थे। जी कुछ फैमिली वाले लोग हैं, उनके मामा हैं, उनकी भाभी है, उनके रियल ब्रदर है, और बाकी लोग ऑन द वे है, बस सब लोग पहुंचने ही वाले हैं। आदिल किसी काम से गए थे, आदिल अभी बस पहुंचने ही वाले हैं। आज जी नहीं, आज मम्मी बात करने के हालात में नहीं थे, आज मम्मी देख भी नहीं पाए हमारी तरफ, आज मम्मी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बट हमें नहीं लगा था कि ऐसा होगा, बट 1 घंटे के अंदर सब कुछ ख़त्म हो गया। अब राखी, हम लोग हैं राखी के साथ, मैं हूँ राखी के साथ, सब लोग हैं राखी के साथ, लेकिन आदिल नहीं दिख रहे हैं 2-3 दिन से, इसका कारण क्या है? कुछ काम में आदिल कुछ काम में उलझे हुए थे, बस अभी आ रहे हैं। वेंटिलेटर पे ही थे, ऑक्सीजन कम था, पल्स कम थी, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं कि फ्लैक्चुएट होता है और फिर ठीक हो जाता है, फिर फ्लैक्चुएट होता है, फिर ठीक हो जाता है, आज भी वही उम्मीद थी लेकिन उम्मीद कामयाब नहीं हुई। राखी पर जैसी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। पिछले कुछ दिनों से अपनी शादी को लेकर वो चर्चा में थी और अब माँ के इस तरह से चले जाने से राखी का रो रो कर बुरा हाल है। हमारी तरफ से राखी की माँ के लिए अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि।